दोस्तों, अगर आप भी अपने बुढ़ापे में हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, चाहते हैं कि ताकत बनी रहे आपके बुढ़ापे तक, तो भाई इस वीडियो को देख लें। जो दवाई बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल कर लें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और आप देखिए समस्या क्या है, आप कहते हैं जी बुढ़ापे में अच्छा हम रहें, लेकिन जवानी में आप करते हैं अपनी मनमानी, उल्टा सीधा खाएंगे, तला भुना खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, और फिर कहेंगे जी बुढ़ापे में हड्डी हमें मजबूत चाहिए। यार शुरुआत ही आपने गलत कर दी है तो बुढ़ापे में हड्डियाँ कहाँ मजबूत होंगी। और चलो पिछले जो हमारे जो पहले लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हड्डियाँ तो फिर भी ठीक थी क्योंकि उन्होंने अच्छा खाया पिया है और मेहनत भी अच्छी की है। बट आप लोगों ने ना तो कुछ अच्छा खाया ही है, ना ही कोई मेहनत की है, तो इस वजह से आपको ये दिक्कत रहती है। और बाकी तो खाना पीना आपका इस तरह का है जो आपकी पसंद है, उससे सारी चीज़ें सोने पे सुहागा हो जाता है कि हड्डियों में जान रहेगी नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें, क्या हम ऐसा खाएं, कौन सी दवाई लें जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। और बात बुढ़ापे की नहीं है, अब तो जवानी में भी आपको ताकत की ज़रूरत है, जवानी में भी हड्डी को मजबूत करने की आपको ज़रूरत है। आज की वीडियो में हम जिस दवाई की बात कर रहे हैं उसका नाम है जेम्सोलाइन कैप्सूल। दोस्तों पहले इसके बारे में कुछ कॉमन सी बातें जान लेते हैं, फिर इसके फ़ायदे जानेंगे। बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो उसको बनाने वाली कंपनी है मेडली, काफ़ी फेमस कंपनी है, और आप नेट पर डालेंगे एकदम से निकल करके आएगी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है, और मैं खुद भी क्लिनिक पर काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो इसमें दोस्तों कैल्सिट्रायोल 0.25 mcg यानी माइक्रोग्राम में मिलता है। कैल्सिट्रायोल वाइटामिन डी का एक्टिव रूप है जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन यानी उसके पचाने को, उसको ग्रहण करने को, उसके यूटिलाइजेशन में मदद करता है। यानी जो आप कैल्शियम और फॉस्फोरस ले रहे हैं दूध से या किसी भी अन्य डेयरी प्रोडक्ट से, उसको पचाने का काम करता है। जरूरी नहीं है कि आप कैल्शियम खा रहे हो आपके शरीर को लग जाए, क्या पता पचे ही ना, बट जब ये कैल्सिट्रायोल लेते हैं तो वो उसको पचाने का भी काम करता है। इसमें अगली चीज़ पड़ी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट 500 मिलीग्राम में, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। सीधी सीधी कैल्शियम मान लीजिए इसको आप, तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए होता है। इसके अलावा तीसरी चीज के अंदर होती है जिंक सल्फेट जो कि 7.5 मिलीग्राम में होता है, और जिंक किस लिए काम करता है आपको पता ही है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जल्दी से आपको कोई बीमारी नहीं लगती है, जल्दी से खांसी नजला बुखार आपको हो जाता है, तो जिंक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिंक सिरप पीते हैं, जिंक के कैप्सूल खाते हैं, जिंकोविट सिरप, जिंकोविट कैप्सूल मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप ये चीजें लेते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है यानी इम्यून सिस्टम आपको मजबूत होता है, आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी 15 गोलियां आपको मिल जाती हैं 268 रुपए की, और आपको थोड़ा सा यहां पर महंगा लगता है कि भाई इतनी महंगी दवाई है कैसे करें, बट यार रिजल्ट जो इसका है ना वो बहुत बेहतर है। आप फास्ट फूड में 50 रुपए तो रोज डेली इस्तेमाल कर ही लेते हैं, या उल्टी सीधी चीजों में भाई आपने गोल्ड फ्लैक ले लिया, आपने कोई रजनीगंधा खैनी सुपारी कुछ खा ली, तो वहां पर भी आप खर्च करते हैं ना पैसे, तो भाई इसको भी आप इस्तेमाल कर लें तो आपकी बॉडी को फायदा ही करेगा। वो फायदा नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन ये फायदा करेंगे, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, हमेशा ना सस्ती चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना होता है, कभी कभी यार महंगी चीज भी खा करके देख लिया करो, हो सकता है उससे फायदा हो जाए। केसर महंगा आता है ना, शिराजीत महंगी आती है ना, तो भाई कभी कभी महंगी चीजों से फायदा हो जाता है, तो हर बार सस्ती चीजें मत ढूंढिए, रिजल्ट देखिए आप। बात करते हैं कि देखिए आप कहोगे जी दूध दही घी से भी हम इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, दूध खाएंगे पिएंगे, दही खाएंगे, पनीर खाएंगे, मक्खन खाएंगे, कैल्शियम मिल जाएगा। पर भाई देखिए पहला समय कुछ और था, पहले मिलावट नहीं होती थी, पहले लोग खाते थे उनको कैप्सूल दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको मजबूत रहती थी हड्डियाँ बुढ़ापे तक भी। अब क्या होता है ना, दूध में मिलावट आ रही है, दही में मिलावट आ रही है, पनीर में मिलावट आ रही है। देखो पनीर कैसा आता है, शादी हो ब्याह हो किसी का कोई प्रोग्राम हो, पनीर भी मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा, मिठाई भी मिल जाएगी, इतना सारा दूध आ कहाँ से रहा है, तो भाई वो चीज़ें नहीं होती हैं। अब आप मिलावट वाली चीज़ खाएंगे तो कैल्शियम तो नहीं मिलेगा और उल्टा आपको नुकसान ही होगा, पेट भी खराब हो जाएगा और आपकी हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाएंगी। जरा सा आप गिरते हैं ना हड्डियाँ टूट जाती है, फिर रोड डलती है, एक प्लेट डलती है, अब तो प्लास्टर वाला भी सिस्टम खत्म हो गया, ऑपरेशन वाला भी सिस्टम खत्म हो गया, सीधे प्लेट डाल देते हैं, तो कमज़ोर आपकी हड्डियाँ इतनी हो चुकी, खोखली हो चुकी हैं। तो इस टैबलेट को आपको दिन में एक बार खाना होता है, चाहे आप सुबह ले लें, चाहे शाम को ले लें, चाहे दोपहर में ले लें, दूध से ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं, दिन में एक ही गोली लेनी है आपको, और खाना खाने के एक घंटे बाद आपको इसको लेना होता है, या नाश्ते के घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। कब तक खाना होता है, आप इसे रेगुलर भी लेकर के चल सकते हैं, या फिर आप कोर्स कर लें कि भाई एक महीना खाया 15 दिन छोड़ दिए, एक महीना खाया 15 दिन छोड़ दी, ऐसे करके 2-3 महीने तक आप इसको लेकर के चल सकते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बुढ़ापे तक आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, चाहे जवान है, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बच्चे, सबको फायदा करती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ।